अच्छा अब ये तो वीडियो सबने देखी है, लेकिन ये किसकी थी, ये किसकी शादी थी? ये मेरी दोस्त की शादी। तो दोस्त की बेस्ट फ्रेंड की शादी। और कितने अरसे पहले हुई थी ये शादी? ये अभी जब ये वीडियो वायरल हुआ है उससे दो तीन दिन पहले हुई थी। सो मतलब क्या था, तुम लोगों ने प्रैक्टिस की थी या सब पकड़ के? नहीं, चलो चलो आओ 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 खड़ा कर दिया तुम्हें अकेले? नहीं नहीं, मैं जिस गाने पे डांस करने लगी थी उसने बोला इस पे तुम नहीं करो। हाँ। तो मैं बताती हूँ तुम उस पे करो। ये दुल्हन ने बोला? दुल्हन तो दुल्हन के कहने पे तुमने? हाँ। उसको ये पसंद था गाना? हाँ। और तुमने वहीं पे खड़े होके स्टेप्स बनाए? और वो आता होगा ना उसको अच्छे से? अच्छा, लेकिन देखो आपस की बात है सच्ची में, जैसे होता है ना जब दोस्तों वोस्तों का वो होता है तो हमेशा जिस बच्ची को डांस आता है वो कहती है नहीं मैं अकेले नहीं करूंगी। कोई एक बिल्कुल पैड़ी जिसको डांस नहीं आता उसको साथ लेके कर लो कॉन्फिडेंस के लिए। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज, सो तुम कॉन्फिडेंट हो पहले से। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी तो मुझे करना पड़ा। नहीं मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ सपोर्ट के लिए कोई एक आओ ना, तुम मेरे साथ आ जाओ ना, मैं अकेली। मेरे पास कोई था ही नहीं। तो था कोई था ही? कोई नहीं था मेरे पास। और उसकी मोहब्बत में तुमने कर दिया जो गाना हो सका कर दिया। सो ये वायरल जब हुआ तो तुम्हें मतलब कैसे पता चला, क्या कहा लोगों ने? मुझे तकरीबन जब ये वायरल हुआ मुझे तकरीबन 4-5 दिन बाद पता लगा, वो भी इंस्टाग्राम पे। मैंने तो अम्मी ने तो नहीं कहा तुम बेटा तुम तो शादी अटेंड करने गई? अम्मी ने अब्बू ने डांटा तो नहीं? नहीं नहीं, वो मुझे मतलब मेरे से ज्यादा सपोर्ट करते। अच्छा वैसे भी इसका डांस बहुत घर वाला डांस था, बहुत अच्छा किया। कोई वल्गर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। जब मैंने इनका पहला वीडियो देखा तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की डांस करी, फिर बाद में मुझे पता चला ये इतना वायरल हुआ और सारे लोग एक दूसरे की वीडियो मिला के लगा रहे थे। मगर जब मैंने आपका पहला डांस देखा था तो मैंने कहा इतना खूबसूरत और मैं ये डांस किसी जगह पे मैं कराऊंगा, मुझे इतना पसंद आया था आपका ये डांस। शुक्रिया। तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी, इतना वायरल हो जाएगा। आयशा वैसे तुम टिकटॉक पे हो ना? हाँ जी। और तुम पहले एक्टिंग और डब स्मैश वगैरह ये करती थी? हाँ, मतलब मैं मॉडलिंग में इन हूँ, मैं शूट्स वगैरह करती थी। तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं ना, कितने बढ़े हैं वैसे? मेरे 3 लाख। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, बस एक वीडियो वायरल होने की देर है यार। वही मैं कह रही हूं, यू नेवर नो कि आप कुछ भी नहीं, कब आप किस चीजों में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और काम। लेकिन पता है क्या, मैं मेरा मानना है एक्सपेक्टर होता है तो सामने आता है। मैं यही कह रहा था, नॉट लाइक ये अंधा अंधेरी में। आप इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा जाहिर एक बात सुना, कॉन्फिडेंट थी, इसने ढीला सा ड्रेस पहना। यही था ना जोड़ा, यही जोड़ा है। वाकई ये किसके नाप का है, ये बड़ी बहन के नाप का है? ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। नहीं कहो अल्लाह। और उसको भी उसने पिन किया की कसम, बहुत ग्रेस और बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन डांस था ये, फैमिली जैसा, फैमिली जैसा। एक तो पहली बात ये कि सुकून से था, फ्री था, एंड शी वाज एंजॉयिंग। कोई बदतमीजी, कोई वल्गैरिटी नहीं था, कोई भी वो बुरी बात नहीं थी उस डांस में। आई रियली डांस के लिए तालियां होनी चाहिए। इतना लोगों ने बनाया, इतना लोगों ने बनाया, मैंने ये क्या है, जब इसने टिकटॉक खोलो ये आ रहा, जब टिकटॉक खोलो ये आ रहा, जब टिकटॉक खोलो यार ये क्या हो रहा है।